हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नाच की दुनिया में। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। गाइस, हुआ ये था कि कल हम लोग आ गए थे नोएडा से अलीगढ़, और मैंने जो लास्ट आपको दिखाया था कि हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो उसके बाद गाइस ये हुआ कि क्यान भी थका हुआ था, मैं भी, तो हम लोग बाबा ड्राइव कर रहे थे और हम लोग गाड़ी में सो गए। तो गाइस बहुत सारी दिक्कतें हुई रास्ते में, और मतलब जाम भी बहुत था, नींद भी आ रही थी, तो उसके बाद गाइस मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर पाई। तो जितना आपने देखा उतना ही था, अब मैं आपको आज दिखाती हूँ कि क्या क्या होता है। ओके गाइस, तो गाइस बाबा हो गए थे तैयार रेडी, और मैंने जैसे आपको बताया था कि समर हमारा हो गया था ख़राब, तो आज बोरिंग वाले आ गए हैं, और मैं बाबा का हैंकी ढूँढ रही हूँ क्योंकि वो ऑफिस जा रहे हैं और बोरिंग चल रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज कि हमारे घर में बोरिंग वाले आ गए हैं, और समर लग जाएगा तो पानी की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। गाइस गाइस, तो क्यान भी सोकर उठ गए हैं और इन्होंने अपनी शैतानियाँ स्टार्ट कर दी हैं। देखो क्यान, हेलो करो, क्यान हेलो करो, हेलो हेलो गाइस, कह दो हम जा रहे हैं गाइस आप लोगों को कुछ दिखाने। बोल दो बोल दो बोल दो, सॉरी सॉरी सॉरी। गाइस हम आपको दिखाते हैं बोरिंग जो हमारा स्टार्ट हो गया है। कन्नू रंदानो वाइट वाइट, अरे आया काम हो रहा है, कोई नहीं पड़ी है तुझे, बोल दे जाइए हेलो लल्ली, हां वीडियो बना रहे हो? हां नहीं कहीं नहीं भेज रहे हैं, सब जरा भेजेगी ना, हमारा बात भेजे और एक काम का मैं सदर से है ना, दिमाग खराब कर रहा है। क्या है ना यार, जगह ना तो मोबाइल पर देख ले, उसमें बनाई देखेंगे सब है? है जगह है ना कहीं भी, और कहाँ पे दिखता है? तो मोबाइल आता है, ये तुम्हारा मोबाइल है। झूला झूल रहा है और डर भी रहा है। डर लग रहा है? बताओ डर लग रहा है? गाइस नीचे चल रहा है काम, और बारिश आ चुकी है हल्की हल्की, और काम थोड़ा रुक गया है, देखते हैं कैसे होगा क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी होने लगी है, और आंधी भी मतलब सॉरी हवा भी चल रही है तेज़, और यहाँ पे इन्होंने जो फिटिंग की है थोड़ी सी, तो बीच में थोड़ी सी रुकावट हो रही है क्योंकि ये इनकी सेटिंग ही नहीं बन पा रही है। दिखाई थी वो है शिवानी। एक्चुअली क्या आंटी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो वो अपने साथ अपनी बेटी को लेकर आई है जो उनके हेल्प करा रही है काम में। तो गाइज आज मैंने भी काम किया है बहुत सारा, मैंने कपड़े भी धुलवाए हैं गाइज, और मैंने सफाई भी करवाई है, और मैंने बहुत सारा काम किया है, पानी भी भरवाया है मैंने, तो उसके बाद मैं रेडी भी हो गई थी। तो अब मैं खाना पीना खाऊँगी क्योंकि 1:30 बज चुका है दोपहर का, तो लंच वंच करेंगे गाइज, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम बैठे थे और काम वाम चल रहा था, और अम्मी आ गई हैं मैं से मिलने के लिए, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बाहर थी दिल्ली नोएडा, और इसलिए तो अम्मी घर ही मिलने आ गई, क्योंकि मैंने मना कर दिया मैं नहीं आ पाऊँगी अम्मी, क्योंकि थक गई हूँ बहुत ज़्यादा और क्यान भी थका हुआ है। तो गाइस मैं अभी आपसे अम्मी को मिलवा दूँगी। और गाइस मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा क्योंकि हम 2-3 दिन वहाँ थे, 2 दिन तो फ्रेंड्स के साथ इतने मज़े किए, इतना अच्छा मतलब फील था वहाँ कि घर आ तो गए लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा बस वहीं वापस चले जाएं, क्योंकि दोस्तों की बात अलग होती है
और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि ना मेरे दोस्त भी नहीं है, एक दो फ्रेंड है मेरे, मतलब गर्ल्स में ही है, बॉयज़ में तो कोई है नहीं। तो गाइस उनके साथ तो टाइम भी नहीं मिलता स्पेंड करने, क्योंकि बाबा के इतने सारे काम हो जाते हैं कि हम कहीं जा ही नहीं पाते। अभी हम काम से गए थे तब हम उनसे मिलकर आ गए, वो भी बाई चांस कि हम बारिश हो गई थी वहाँ पे, वरना हमारा तो होटल्स में ही प्लान था रुकने का। तो दोस्तों से मिलकर अच्छा लगता है गाइस, कमेंट में बताइएगा किस किस के फ्रेंड हैं और कौन कौन अपने फ्रेंड्स के घर जाता है, और आपके फ्रेंड्स आपसे कैसे मिलते हैं। मेरी दोस्त तो बहुत प्यार करती है मुझे, और इतना मतलब इतना सैड हो गई थी वो, इतना सैड हो गई थी लिटरली वो रो रही थी कल मैं आई तो। ज्ञान भी उससे मतलब इतना प्यार करता है कि देखते ही उसकी गोद में चला जाएगा, और उसकी गोद में गया और जब हम लोग लौट रहे तो इतना ज्ञान उदास हो गया था ना बहुत ज़्यादा कल, तो मतलब अब मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि अब कब हम वापस जाएंगे नोएडा। नोएडा तो जाएंगे लेकिन अब वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि रोज़ रोज़ किसी के घर भी नहीं जा सकते गाइस। लेकिन उसने मुझे बोला है कि जब भी आप लोग आओ तो घर ज़रूर आना, वो बहुत प्यार करती है गाइस इसलिए। तो अब मैं आपको अम्मी को मिला दूँगी और फिर देखते हैं आगे क्या। गाइस ये बैठी हैं अम्मी, टी वी देख रही हैं, ये देखो ये बैठी हैं, और ये कन्नू बैठा है टी वी देख रहा है मस्त। देखो गाइस टीवी चल रही है, तो गाइस हम आ गए हैं क्या कहते हैं उसको बोरिंग की पूजा करवाने जो मम्मी करेंगी, और ये देखो मिठाई जो कि बटने वाली है, और किस किस को मिठाई खानी है आ जाइएगा हमारे घर। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me. And follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love to give, something's telling me this time, baby, baby, now I know, baby, baby, gotta go, there is so much love to give, something's telling me it's right, when you came to me, oh, I knew, it's you, yeah, boy, the one who showed me now. तो गाइस यहाँ बट रहे हैं लड्डू, ये देखो काम हुआ नहीं है, मिठाई पहले बट रही है। ये देखो सारे लड्डू बट गए, डब्बे खाली हो गए। तो गाइस मैं गई थी नीचे, नीचे देख कर आई हूँ, काम एकदम बढ़िया चल रहा है, और वो भैया बोल रहे हैं कि अभी काम इसमें 2 दिन लग जाएंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे, देखो कितने दिन लगते हैं, कितने दिन की परेशानी और उठानी पड़ेगी पानी के लिए। तो गाइज पानी के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग पानी को लेकर बहुत मतलब ज़्यादा ही ढील दे रहे हैं, कि गाइज पानी बहुत नीचे पहुँच चुका है, और पानी को वेस्ट ना करें ज़्यादा, पानी की आगे बहुत वैल्यू बढ़ने वाली है गाइज, पानी को प्लीज़ सेव कीजिए, क्योंकि पानी के बिना कुछ नहीं है लाइफ में, पानी बहुत ज़रूरी है गाइस। तो अपना क्या होता है कि समर चला दिया, 2-2 घंटे चल रहा है, छोड़ दिया उस चीज़ को, तो उस चीज़ पे गाइस ध्यान दीजिए, सबके घर में ज़्यादातर समर है, सबके घर में ही पानी होता है, तो सभी लोगों के अंदर ये आदत होती है कि पानी से काम कर रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, धुलाइयाँ हो रही हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, तो उससे क्या हम लोग को ये अंदाज़ा भी नहीं है कि हम लोग कितना पानी वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि पहले जो नल होते थे हैंडपम्प उससे हम लोग भरते थे, तो जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही हम लोग पानी यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या है गाइस समर बटन दबाया और पानी चला दिया, तो क्या वो बह रहा है, बह रहा है, उसको हमें कीमत तो नहीं, वैल्यू उसकी नहीं पता चल रही, लेकिन गाइस वैल्यू समझने का टाइम अभी है, उसको समझिए और उसको मतलब सेव कीजिए, तो प्लीज़ पानी को सेव कीजिए, क्योंकि जब तक पानी है तब तक ही हम हैं, जब पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है गाइस, क्योंकि हमें पता चल रहा है हम 2 पिछले वीक से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
कहने के लिए पानी, मतलब हम लोग खुद नहीं भरना पड़ रहा, पानी भरने के लिए बहुत सारे सब लोग हैं, काम वाले बेचारे सब हेल्प करते हैं, सब लोग लग जाते हैं उस चीज़ में, लेकिन फिर भी गाइस परेशानी तो परेशानी होती है। तो और फिर पैसा भी वेस्ट होता है, अब कितना पैसा इसमें लगेगा तो आप लोग समझ ही रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आप लोग उस चीज़ को मतलब ध्यान दीजिए, सभी लोगों को प्लीज़ मेरी तरफ से ये मैसेज है और मतलब मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग पानी सेव कीजिए, और मैं तो बिल्कुल करूँगी क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ी सीख मिल गई है, और एक बार सीख मिलने के बाद मैं दोबारा गलती नहीं करती गाइस। तो प्लीज़ आप लोग भी पानी सेव करिए और मैं भी पानी सेव करूँगी। और मैं उठ मतलब अभी कैंस हो गया था, मैं भी लेट गई थी थोड़ा, लेकिन बाबा का फ़ोन आया कि नीचे देख लो कैसा काम वाम चल रहा है, तो मैं नीचे गई थी। अब मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि मैं बार बार आपको क्या दिखा के बोर करूँ, एक बार मैंने आपको दिखा ही दिया गाइज। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी तो दोपहर के 3 ही बजे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आंटी आएंगी, चाय नाश्ता खाना वाना जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। ओके गाइज बाय। देखिए गाइस यहाँ लगा हुआ है अपने खेल में, और ये खेल देखिए क्या है, अपनी बास्केट से अपना सारा सामान निकाल रहा है और फेंक रहा है, निकाल रहा है और फेंक रहा है, ये इसका काम है। देख सकते हैं आप लोग क्या बेटा, तुम कुछ और कर लो, है क्या कुछ और कर लो, यही करोगे, यही करोगे, बता दो सबको मैं क्या कर रहा हूँ, इतना मम्मा को परेशान कर रहा हूँ, बता दो, नहीं बताया गाइस, ये बहुत उद्यमी है। ये देखिए, ये देखिए इसने सारा सामान किस तरीके से फैला दिया है, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए बेबी बेबी बेड़ा बेबी, मम्मा का बेबी, मम्मा की जान। चलो क्या, चलो चलो बाहर चलते हैं। तो गाइस हम यहाँ क्यान के साथ खेल रहे थे, क्यान और हम, और अब हम जा रहे हैं चाय बनाने, हम चाय पियेंगे गाइस। और अम्मी भी अभी जा रही हैं घर, क्योंकि वो सुबह की आई हुई हैं, सुबह की, हाँ 11:30 पे आ गई थी, तब बोल रही हैं घर जाने के लिए, तो उनको भेजना है अभी घर, और फिर आंटी आ जाएंगी तब खाना वाना बनेगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में गाइस। तो गाइस ये बन रही है हमारी चाय, कड़क एकदम बढ़िया, और हम यहाँ पे हमने रख दिया है दूध, और अब हम सोच रहे हैं खाने में क्या बनाएं। गाइस हम किचन में आ गए हैं और हमने डिसीजन ले लिया है कि अब हम आलू की तहरी बनवाएंगे डिनर में, क्योंकि दोपहर में जो खाना बनाए वो ऐसे ही रखा है क्योंकि बाबा आए नहीं हैं, तो इसलिए अब हम अपना मसाले वाला जो रहता है आलू वाला चावल वो बनवाएंगे गाइस, और उसके साथ दही और सैलड वगैरह हो जाएगा, तो रात का डिनर फाइनल हो गया फाइनली, क्योंकि डिनर का बड़ा ड्रामा रहता है क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ, तो आप लोगों के साथ भी रहता है क्या गाइस। तो गाइस बाहर तो बहुत शोर हो रहा है, आवाज़ नहीं आ रही, और जैसा मैंने आपको बताया कि खाने का रहता है ड्रामा, क्योंकि खाने में रोज़ रोज़ दोपहर में क्या बनाओ, शाम में क्या बनाओ, सुबह में क्या बनाओ, तो इसलिए बहुत दिक्कत आती है। किस किस को दिक्कत आती है कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाहर इतना शोर हो रहा है, आप लोग सुन पा रहे होंगे जनरेटर की आवाज़ हो रही है, क्योंकि बोरिंग चल रहा है, सुबह से लगातार बोरिंग चल रहा है। ये देखिए मेरे पीछे पीछे आ जाता है, चप्पल छोड़ दो गंदी बात, चप्पल छोड़ो, ये देखो गाइस चप्पल छोड़ आओ, ये लो आ जाओ, अरे गंदा बच्चे चप्पल पे ही जा रहा है देखो। तो गाइस काम सारे हो गए हैं, डिनर भी बन गया है, और सारे वर्कर जो वर्क कर रहे थे वो अपने अपने घर चले गए हैं, तो अब हम हो गए फ्री, और अब हम करेंगे चेंज, और उसके बाद करेंगे ब्लॉग एंड, क्योंकि अब हम आपसे मिलेंगे कल। तो गाइस बात ये है कि आप सोचते होंगे कि मैं अकेली अकेली क्यों दिखती हूँ ब्लॉग में,
तो दिक्कत ये है कि गाइस बाबा को रहता है बाहर का काम, क्योंकि वर्क ही ऐसा है, उनको कभी कहीं जाना है कभी कहीं जाना है। और मेरा छोटा बेबी है तो इसलिए मैं उसको नहीं लेके जा सकती, ज़्यादा डेली नहीं लेकर जा सकती, तो मुझे मतलब बीच बीच में रुकना भी पड़ता है। तो वैसे तो अच्छा लगता है अगर हम दोनों साथ में होते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं गाइस जहाँ हम साथ में नहीं जा सकते, तो मुझे घर पर ही रहना पड़ता है। और फैमिली गाइस बहुत छोटी सी है हमारी, मम्मी है खाली और मैं हूँ, कन्नू है और बाबा है। फैमिली में और भी लोग हैं गाइस, लेकिन वो सब अलग अलग रहते हैं। सिस्टर इन लॉ अपने घर हैं और ब्रदर्स इन लॉ वो अपने घर हैं, अलग अलग सब सेटल हैं। तो हम अकेले ही हैं गाइस, तीन लोगों की छोटी सी फैमिली है गाइस जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि मतलब नाज तो अकेली ही दिखती है, मैं अकेली नहीं दिखती गाइस। जब मेरे साथ ज़्यादा लोग होते हैं मैं सबको आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, और जब मैं अकेली हूँ तो मैं ऑब्वियसली अकेली ही मिलूँगी। कन्नू, मैं और छोटी सी फैमिली, और बाबा आपसे इसलिए नहीं ज़्यादा मिल पाते क्योंकि उनका वर्क ही ऐसा है, उनको कहीं ना कहीं डेली जाना ही पड़ता है। ऑफिस बहुत सारे हैं, तो आज ऐसा होता है कभी दिल्ली कभी नोएडा कभी लखनऊ कभी कहीं कासगंज वगैरह। तो आज बाबा गए हुए कासगंज किसी सेंटर के मतलब इनॉग्रेशन, तो इसलिए गाइस बाबा से मैं आपको डेली नहीं मिला पाती हूँ। और सुबह में जब तक मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तब तक बाबा निकल गए होते हैं, क्योंकि बाबा का सुबह डेली का जल्दी का ही रहता है जाना, और मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती इसलिए बाबा पहले निकल जाते हैं। तो कोई नहीं गाइस, कभी कभी बाबा से मिला देती हूँ आपको, कभी कभी और किसी से मिला देती हूँ, जैसे आज अम्मी आई थी उनसे मिला दिया। तो गाइस मेरा मन बहुत ये रहता है कि मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँ, लेकिन डेली मैं आपको मतलब क्या बातें करूँ ना, वही मैं मतलब सोचती रहती हूँ कि क्या बातें करूँ। तो गाइस प्लीज़ आप लोग मेरे मतलब देखिए ब्लॉग्स, और प्लीज़ मुझे प्यार दीजिए। आप लोग प्यार देंगे तभी मैं अपने आप को आगे बढ़ा पाऊंगी गाइज। तो प्लीज़ आप लोगों के साथ की और आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रही बात मेरे फ्रेंड सर्किल की, तो फ्रेंड सर्किल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा बहुत छोटा है, कोई भी मेरा इतना फ्रेंड्स नहीं है। एक दो फ्रेंड्स हैं जो कि मतलब हैं जिससे मैं मिलती हूँ, बाकी फैमिली भी छोटी है गाइज, तो इसलिए छोटा सा परिवार है, तो इसलिए मैं अकेले ही आपको ज़्यादातर दिखती हूँ। तो अब हम लोग सोच रहे हैं एक दो दिन में आपको कि अपनी एजेंसी दिखाएंगे, तो मैं आपसे फिर एक दो दिन में दिखाती हूँ। अभी तो मैं घर पर ही हूँ क्योंकि घर पे काम चल रहा है, तो मुझे घर पे ही रहना ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, क्योंकि घर में काम है तो जिम्मेदारी भी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। वर्कर वगैरह काम कर रहे हैं, अकेला नहीं छोड़ सकते घर, आप लोग भी जानते हो। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और कैसे कैसे आप लोग रहते हो। और हाँ, खाने का ज़रूर बताइएगा मेरे को, सजेस्ट कीजिएगा कि खाने की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि लेडीज़ के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है गाइज कि हम लोग खाना क्या बनाएं दोपहर का शाम का, ये सारी चीज़ें। तो ये आप लोग बताइएगा गाइज मुझे। बाकी काम अभी बहुत सारे हैं करने के लिए, नाइट में रहते हैं तो उनकी, जैसे बाबा आ जाएंगे तो हम लोग डिनर करेंगे, और कन्नू की देखभाल तो है ही पूरा दिन की, वो बहुत भगाता है मुझे। समझ लो जब से कन्नू हुआ है, कन्नू 9 महीने का हो गया, 9 महीने से मैं भाग ही रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है, कोई नहीं वो बच्चा है, बच्चे तो करते हैं गाइस, हर 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 माँ बाप को हर बच्चे ने परेशान किया होगा, जैसे मैंने भी अपनी अम्मी को बहुत परेशान किया है, तो ऐसे ही मेरा बेबी भी परेशान करता है। और एक दो मेरे व्यूअर्स हैं जो बताते हैं कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो आप परेशान ना हुआ करें, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो गाइस वो तो मैं समझ गई हूँ। और आप ये देखिए, आज मैंने आपको सुबह से दिखाया है, ये गाइस मेरा ही पिक है। और प्लीज़ आप लोग ये मत कहिएगा कि आप में घमंड कहाँ से आता है, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी टी शर्ट दिखाई थी बैंकॉक वाली, तो कुछ व्यूअर्स बोल रहे थे कि आप में घमंड कहाँ से आता है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें हैं स्पेशल जो अच्छा लगता है आपको दिखाना, तो मैं दिखा देती हूँ गाइस। तो प्लीज़ आप लोग, अच्छा लगे मेरा मतलब ब्लॉग्स अच्छे लगे, मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए कमेंट करिए। मैं डेली आपसे मिलती रहूँगी और डेली ब्लॉग्स बनाऊँगी, चाहे आप मुझे पसंद करें या ना करें। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, लव यू।